हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसकी एक वीडियो और डालूंगी जिसमें हम रेफरेंस पैसेज की बात करेंगे अपने बुक बी इजी ई 142 के बारे में। तो हम बात करते हैं आज रेफरेंस पैसेज के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ये ब्लॉक 2 से लेकर 4 तक है, जो ये तीनों हमारे ये हैं, ये तीनों हमारे प्ले हैं, तो इन्हीं से मतलब वो हमको पैसेज देगा स्टेंजा के लिए, मतलब कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए। तो मैं आपको मतलब बताऊं तो ये हमारा फर्स्ट ब्लॉक में से है। जो फर्स्ट ब्लॉक है वो हमारा, मैंने आपको भी बताया, जो ये है हमारा ऑल माई सन्स बाय आर्थर मिलर। तो देखिए इसमें मतलब फर्स्ट जो पैरा इम्पोर्टेंट है वो ये है क्रिश क्रिश करके, मतलब यहां से तो आपको हिंट मिल रहा है क्योंकि ये तो हमारा कैरेक्टर का नेम था, ये तो मतलब उसका बेटा है, जो केलर था ये उसका बेटा है। मतलब यहां से आपको हेल्प मिल जाएगी कि मतलब देखिए आप मतलब कहीं से भी वो आपको दो लाइन उठा के दे देगा एग्जाम में लिखने के लिए। तो ये मतलब यहां से लिया गया है, मतलब कि हमारा ब्लॉक नंबर 1 में से, ऑल माय सन्स में से। इसके अलावा देखिए जो इसमें से मतलब ये हमारा, देखिए मैंने यहाँ पे पेज नंबर मेंशन कर रखा है ताकि आपको बुक में से भी हेल्प मिल जाए और आप उसको वहां पे इजिली ढूंढ सको। देखिए यहाँ पे सेकंड ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, फॉर मी आई वॉज डाइंग एवरी डे, मतलब ये वाला भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि मतलब किस पेज से यहाँ पे मतलब जो है लाइन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भी वो मतलब ये मतलब इतना पैसेज दे के लास्ट में ये यहाँ पे इन्होंने आपको ये इसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, तो इसको आप पढ़ लो ताकि आपकी हेल्प हो जाए। वैसे मैंने आपको स्टोरी बता दी थी, आप उसको बना बना के भी लिख पाओगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे पेज नंबर 85 से भी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेके श्योर ही वॉज माई सन बट आई थिंक टू हिम दे वर ऑल माई सन्स एंड आई गेस दे वर। तब यहाँ पे ये भी उस बारे में बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ भी लाइन है, हो सकता है कि वो यहाँ से आपको दो लाइनें उठाए और आपको दे दे। तो मतलब कि यदि सन्स की बात हो रही है तो डैट मीन्स यही कि हम ऑल माई सन्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब हमको ये श्योर हो जाएगा कि ये टॉपिक जो हमारे हैं ये ऑल माई सन्स में से हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मतलब किलिंग माई बॉयज, मतलब वही की मतलब कि लड़कों को मारने की बात हो रही है। डैम बिजनेस, मतलब बिजनेस की बात हो रही है, तो ये मतलब ऑल माई सन्स के लिए ही हमारे कीवर्ड्स रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए मतलब इसमें तो आपको मतलब यहाँ पे नाम ही मिल गया है, मतलब कि हमारा जो कैरेक्टर का नेम था क्रिश, ये हमको यहाँ पे एज ए कीवर्ड्स मिल गया है। इसके अलावा देखिए अब हम बात करते हैं अपने ब्लॉग नंबर 3 की, जो कि है हाफ वे हाउस बाय मोहन राकेश। इसमें देखिए इसमें हमारे कीवर्ड्स क्या रहने वाले हैं, देखिए इसमें जैसे कि मतलब गैप इन द लाइफ, मतलब यहाँ पे कैसे गैप रहेगा, मतलब कि गैप मतलब कैसे दो इंसान जो होते हैं वो मतलब बर्डन में अपनी लाइफ को काटते हैं, मतलब इस तरह से मतलब सारा कुछ यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जैसे कि मतलब यहाँ पे दिखा रखा है बट एवरी अदर्स यू हैव ट्राइज टू फ्री योर सेल्फ बाय लुकिंग अराउंड फॉर अनदर मैन, मतलब यहाँ पे देखो अनदर मैन की बात हो रही है, तो मतलब यहाँ पे जो हमारे कैरेक्टर थे यहाँ पे सावित्री, तो मतलब वो अनदर मैन के साथ वो इन्वॉल्व थी, तो मतलब यहाँ से हमको कीवर्ड मिल जाएगा। इसके अलावा मतलब कि यहाँ से हमारे टू पैसेज हो गए। इसके अलावा देखिए यहाँ पे थर्ड जो है वो हमारा पेज नंबर 152 से है, जो कि देखिए क्या है, मतलब यहाँ पे कन्वर्सेशन हो रही है द ओल्डर गर्ल के बीच में और वुमेन के बीच में, मतलब उनमें माँ बेटे में ही बात हो रही है, ये मतलब ये दोनों बात कर रही हैं कि कैसे मतलब कोई ब्रीथ कर सकता है लाइफ को, मतलब ऐसे बर्डन में कोई कैसे जी सकता है, इस बारे में बात कर रही है वो अपनी बेटी से। इसके अलावा मतलब ये हमारा ब्लॉक नंबर 3 में से था। इसके अलावा जो ब्लॉक नंबर 4 है वो हमारा है द ट्रायल ऑफ द दन की माथी, जो कि नोगी वातियांगो ने लिखा है। तो देखिए इससे हमारे जो मतलब हमारे पैसे जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए ये है विद द ब्रिटिश, मतलब ये वाला पैसे हमारे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ये इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसके अलावा मतलब वो आपको यहाँ से उठा के दे सकता है वर्ल्ड को, मतलब यहाँ पे स्ट्रेंथ की बात की जाए, मतलब जहाँ पे वार की मतलब युद्ध के बारे में बात की जाए, मतलब वो आपको यहाँ से उठा के लाइन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि आप इनको एक बार अच्छे से देख लेना ताकि आपके मतलब पेपर में आपको हेल्प मिल जाए कि कैसे मतलब हम क्वेश्चंस को मतलब अटेम्प्ट करेंगे रेफरेंस पैसेज को अपने एग्जाम में। तो जो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और ये इसकी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दी गई है। जो ये पैसेज है ये भी इम्पोर्टेंट है, 197 पेज नंबर से यहाँ पे 2 पैसेज इम्पोर्टेंट है। ये भी हो सकता है कि वो आपसे ये वाला पूछ ले, तो वर्ड ये जो वर्ड है यहाँ पे
कॉलोनियल वर्ड हो गया, जैसे स्ट्रगल वर्ड हो गया, स्ट्रगल देखो करेज हो गया, डेडिकेशन हो गया, स्ट्रगल वर्ड हो गया। इसके अलावा यहाँ पे कोर्ट वर्ड यहाँ पे हो गया है, जस्टिस की यहाँ पे बात की जाएगी, इंपेरियलिज्म की यहाँ पे बात की जाए, तो मतलब ये सारे हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स हो गए हैं। इसके अलावा देखिए मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि मतलब एग्जाम में हमारे जो पैसेज आएंगे वो हमसे इस तरीके से पूछेगा, हमको कोई भी मतलब तीन पैसेज में से हमको कोई भी दो पैसेज अटेम्प्ट करने होंगे, जो एक पैसेज हमारा होगा वो टोटल 10 मार्क्स का होगा। तो मतलब कि कहने का क्या है, जैसे देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मतलब जो ये पैसेज हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं हमसे, तो ये पैसेज कहाँ से लिए गए हैं। एक तरीके से मैं आपको इसका यहाँ पे सॉल्यूशन बता रही हूँ इन वाले पैसेज का। देखिए जो ये वाला पैसेज है ये हमारा 61 ईयर्स ओल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये पैसेज हमारा, तो ये वाला पैसेज हमारा जो है ये हाफवे हाउस से लिया गया है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट जो है ये भी हमारा हाफवे हाउस है। देखिए बर्डन ऑफ लाइफ मतलब कैसे एक दूसरे यदि फैमिली की बात हो रही है तो डेट मीन्स कि हम हाफवे हाउस के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारा हाफवे हाउस वाला है। इसके अलावा जो ये नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया था कि जहां पे स्ट्रगल की बात होगी तो मतलब वहां पे हमारा हम बात करेंगे द ट्रायल ऑफ ददन की माथे के बारे में। इसके अलावा देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो मतलब कि हमारा नाम ही आ गया है पूरा, ऑल माई सन्स, मतलब जो ये वाला स्टैंजा है ये हमारा ऑल माई सन्स प्ले में से लिया गया है, जो कि आर्थर मिलर ने लिखे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे दोबारा से भैया आ जाता है कि टू पीपल्स लिव टूगेदर ब्रीथ द सेम एयर, मतलब कैसे लोग एक दूसरे साथ रह सकते हैं, मतलब वहां पे बर्डन दिखाया गया है फैमिली के बीच में, तो डेट मीन्स क्या है कि ये हाफ वे हाउस से लिया गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था कोर्ट ऑफ इम्पेरियलिज्म की बात यदि हो जाती है, यदि जस्टिस की बात हो जाती है तो ये हमारा द ट्रायल ऑफ देदन की माथी में से लिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बात की गई है यू आर ए वुमेन सन, मतलब कि ये हमारा हाफ वे हाउस से लिया गया है, यहाँ पे बताया गया है इसके बारे में। तो मतलब मैं आपको हिंट दे रही हूँ कि मतलब कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा जो ये वाला है हमारा देखिए किल माई बॉयज, मतलब यहाँ पे वही डैम बिजनेस, मतलब वो अपने बिजनेस को मतलब यहाँ पे गंदा ठहरा रहा है कि मतलब किस तरीके से उसकी वजह से जो किस पायलट थे वो मर गए, तो मतलब ये हमारा ऑल माई सन्स में से लिया गया है। इसके अलावा देखिए जो ये वाला है रिस्पेक्टेड मी देन, मतलब यहाँ पे उसके बारे में बात हो रही है, अराउंड अनदर मैन यहाँ पे वर्ड आ गया है, तो यही हमारा कीवर्ड है यहाँ पे, और ये वाला हमारा हाफ वे हाउस में से लिया गया है। इसके अलावा देखिए ये मैंने आपको बताया था पहले भी जो कि इम्पोर्टेंट है क्रिश क्रिश, मतलब यहाँ पे तो हमारा वही आ गया है, मतलब कि कैरेक्टर का नेम ही आ गया है, तो ये वाली जो हमारा पैसेज है ये हाफ वे हाउस सॉरी ऑल माई सन्स में से लिया गया है। इसके अलावा देखिए जो ये वाला है मतलब ये देखिए गैप गैप होता है कैसे, मतलब पीपल एक्सेप्ट करते हैं किसी और से, मतलब ये सारी चीजें हमारी हाफ वे हाउस में से ली गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे बात करके ब्रिटिश की कैसे मतलब वो एक मतलब एक वार यहाँ पे वार हो रहा है, कैसे मतलब लड़ रहे हैं वो जर्मन्स के खिलाफ जापानीज के खिलाफ, तो मतलब ये सारा हमारा द ट्रायल ऑफ ददन की माथी में से लिया गया है। इसके अलावा देखिए मेरा मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मतलब हम इस इन वाले पैसेज को हम अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिए जैसे ये पैसेज है, ये मान लीजिए आप ये वाला पैसेज है, तो आप मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, पहले आप आंसर लिखेंगे, देन आप लिखेंगे रेफरेंस, मतलब कि रेफरेंस में हम क्या लिखेंगे कि दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम हाफ वे हाउस बाय मोहन राकेश, मतलब कि यहाँ पे आप एक्ट का नाम लिखोगे, प्ले का नाम लिखोगे, देन आप राइटर का नाम लिखोगे, और हम मतलब कि हम स्टार्टिंग ऐसे करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लाइन से हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आपको यही बताना चाह रही थी इस वाली वीडियो में कैसे हम मतलब हमारे रेफरेंस पैसेज को हम अटेम्प्ट करेंगे, जो प्रीवियस असाइनमेंट में और जो प्रीवियस मतलब क्वेश्चन पेपर में जो पैराग्राफ आए हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं कि मतलब कौन सा पैराग्राफ कहाँ से लिया गया है और कौन से प्लेस से लिया गया है। इसके अलावा मैंने आपको बुक में मतलब इनको डिनोट करके बताया है कि मतलब कैसे वो आपसे मतलब पैसेज पूछ सकता है एग्जाम में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको हेल्प भी मिल रही होगी मेरी वीडियो से और मेरे कंटेंट से। यदि आपको हेल्प मिल रही है मेरे कंटेंट और वीडियो से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।